पैराडाइज लॉस्ट में पहले हम 1 से लेकर 16 तक इसकी मतलब कि इसकी समरी देखते हैं। समरी में बताया गया है कि कैसे एडम और ईव जो कि हमारे पूर्वज हैं उनकी एक गलती से मतलब गॉड ने उनके फॉरबिडन ट्री का फल खाने से मना किया था और उन्होंने उसे खा लिया और गॉड ने कैसे उनको गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया और वो आगे कैसे म्यूज से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शक्ति दे कि वो इस एपिक को लिखने में उनकी सहायता करें। आइए लाइन देखते हैं आगे। फर्स्ट लाइन है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस, मानवता की पहली अवज्ञा ने, डिसओबीडियंस अवज्ञा ने, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, फॉरबिडन ट्री जिस फ्रूट को खाने से मना किया गया था एडम और ईव को, whose mortal taste, जिसका कि नश्वर स्वाद था, brought death into the world, जिसने संसार में मृत्यु को लाया, and all our woe, और हमारे दुखों का कारण बनी, with loss of Eden, और जिसकी वजह से हमने garden of Eden को खो दिया, जन्नत को खो दिया। मतलब कि लाइन में बताया गया है कि कैसे एडम और ईव की एक गलती ने हमें जन्नत से निकाल दिया, गॉड ने उनकी गलती से हमें जन्नत से निकाल दिया और हमारे दुखों का कारण बनी, टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस, ग्रेटर मैन यहाँ कहा गया है जीसस क्राइस्ट को, रिस्टोर अस जो पुनर्स्थापना करेंगे एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट और हमें वो जन्नत का सीट, वो जन्नत की सीट फिर से हम प्राप्त करेंगे। मतलब वो कैसे वो फिर से पुनर्स्थापित करेंगे वो सीट और हम फिर से जन्नत को प्राप्त करेंगे। तो इन आपने लाइनों में देखा कि कैसे कि एडम और ईव की अवज्ञा से और उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को खाने से गॉड ने उन्हें निकाल दिया और ये हमारे दुखों का कारण बनी। सिंग हेवनली म्यूज दैट, आगे मिल्टन गॉडेस ऑफ पोएट्री से ये आह्वान करते हैं, ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरब और सिनाई, जो ओरब और सिनाई के टॉप पर रहती हैं, वो कहते हैं, डिडस इंस्पायर दैट शेफर्ड्स Who first taught the chosen seed? The chosen seed यानी जीव के लिए कहा गया है और सेफेड मोजेस को कहा गया है। वो कहते हैं कि गॉडेस ऑफ पोएट्री जो कि सीक्रेट टॉप पे रहती हैं ओरब और सिनाई के, वो कहते हैं कि आप हमें इतनी प्रेरणा दीजिए जैसे आपने प्रेरणा दिया, इंस्पायर किया मोजेस को और उन्हें जीव को बताया कि कैसे बिगनिंग में, इन द बिगनिंग हाउ द हेवन एंड अर्थ रोज आउट ऑफ क्योर्स, कैसे बिगनिंग में हेवन और अर्थ पर अव्यवस्था थी, कॉस यानी अव्यवस्था थी, और इफ सियोन हिल डिलाइट द मोर एंड सिलोस ब्रोक दैट फ्लोट, और सियोन हिल और सिलोवा झरना फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, ओरेकल ऑफ गॉड मतलब टेम्पल ऑफ गॉड और गॉडेस से होकर बहता था, सियोल हिल, सियोन हिल और सियोलॉस झरना जो कि टेम्पल से, देवताओं के टेम्पल से होकर बहता था, आई दस इन्वोक दाई एड टू माई एडवेंचरस शौक, मैं उनसे ये आह्वान करता हूँ, उनसे ये शक्ति मांगता हूँ कि मुझे इस एपिक को लिखने में सहायता प्रदान करें, दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंस टू सोर अबव द एनोनियन माउंट, और ये एक महाकाव्य एनोनियन माउंट यानी सिलिकॉन माउंट की ऊंचाइयों को छुए, वाइल इट परस्यूज थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, और आज तक प्रोज और पोएट्री में इस तरह का महाकाव्य नहीं लिखा गया है, और इस तरह का महाकाव्य जो कि एक अनूठा महाकाव्य है वो एओनियन माउंट की ऊंचाइयों को छुए, और मुझे गॉड और गॉडेस ये शक्ति प्रदान करें, वो पोएटिस ऑफ मतलब पोएट्री, गॉडेस ऑफ पोएट्री से ये मतलब कि वो जो गॉडेस है पोएट्री की, उनसे ये शक्ति मांग रहे हैं कि उन्हें शक्ति प्रदान करें इस एपिक को, महाकाव्य को लिखने में, और वो एपिक जो आज तक किसी ने प्रोस और राइम में ऐसा, पोएट्री में ऐसा एपिक नहीं लिखा है।